हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम्स। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। क्वेश्चन नंबर 71 है, यदि आप लोगों ने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके स्क्रॉल करके पुराने के सारे वीडियोस देख सकते हैं। चैप्टर हमारा चल रहा है एंशियंट हिस्ट्री, और जिसमें हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं वैदिक संस्कृति को। क्वेश्चन नंबर 70 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और अब बारी है क्वेश्चन नंबर 71 से। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। तीन ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो सबसे पहले आपके लिए ऑप्शंस पढ़ दूं। उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता प्रजापति थे, बिल्कुल सही है। गोत्र व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में प्रचलन में आई, ये भी बिल्कुल सही है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है, और काष्ठोपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है। और इस तरह से ये चारों ही ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। तो आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। षट दर्शन का बीजारोपण किस काल में हुआ? तो षट दर्शन का बीजारोपण हुआ सूत्र काल में। क्वेश्चन नंबर 73, ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किनका उल्लेख किया गया है? तो भैंस का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर चलते हैं। ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता के लिए है? तो ऋग्वेद में मंडल का प्रथम सूक्त है अग्नि देवता के लिए। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित कथनों का विचार करना है और सही उत्तर बताना है। तो वैदिक सूक्त पुरुष सूक्त में चार वर्णों का उद्गम मिलता है। प्रसिद्ध सूक्ति त्वमासी छंदयोग उपनिषद में मिलती है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। दोस्तों, ये तीनों ही ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं, और इस तरह से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन वेदांग ज्योतिष लेखक के रूप में विख्यात हैं? तो इनमें से जो ज्योतिष लेखक के रूप में विख्यात हैं वो हैं लगद। क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित अवतारों में से कौन प्राचीन साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, मत्स्य, वारह, बामन और नृसिंह। तो इसमें से जो आपका सही है वो है ऑप्शन नंबर टू, यानी कि वारह और नृसिंह प्राचीन साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 77 के बाद क्वेश्चन नंबर 78 है हमारे पास। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बत सही है, इसके आधार पे हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो सबसे पहले ऑप्शंस पढ़ लें। ना चुकाए गए कर्ण के बदले में दासत्व प्रथा की वैदिक काल से लेकर बुद्ध के समय तक प्रचलन में नहीं थी। क्वेश्चन नंबर टू, वैदिक काल में ऊंची जातियों की स्त्रियों को पति की मृत्यु के उपरांत ना तो संपत्ति धारण करने का अधिकार था और न ही पुनर्विवाह का अधिकार था। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, और आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर, जो कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है 2007 में। सूची एक और सूची टू दिए गए हैं, सुमिलित करना है और देखना है कि कौन एक दूसरे से सही मेल करते हैं। तो इस हिसाब से जो आपका सही आंसर होता है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दो। मुनि संबंधित हैं पावन पुरुष जो निःशब्द रहता है। उद्गात्री संबंधित है सामदेव के ज्ञाता से। पुरुष संबंधित है आद्य पुरुष से, और आर्यमान संबंधित है विवाह के संरक्षक से। चलिए चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 की ओर, जो कि है यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया 2005 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसमें से जो आपका सही कथन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऋग्वेद में स्वयंवर एवं विधवा विवाह का उल्लेख मिला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा हो। तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।